नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वेबर वर्ल्ड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बॉलीवुड की एक तरोताजा जानकारी लेके हाजिर हूँ दोस्तों, और ये जानकारी है गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा को लेकर दोस्तों। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इससे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो के नीचे जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन, इस बटन को जल्दी से दबा लीजिए। साथ में लेके एक छोटी सी घंटी दोस्तों, इस छोटी सी घंटी को जल्दी से दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगीला राजा की रिलीज पोस्टपोन होने से पहलाज निहलानी को हुआ करोड़ों का नुकसान। गोविंदा की कमबैक फिल्म रंगीला राजा फिलहाल कोर्ट में है। सेंसर बोर्ड द्वारा बताए गए कट को चुनौती देते हुए प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी पहुंचे कोर्ट, और इस वजह से निहलानी को झेलना पड़ रहा है करोड़ों का नुकसान। पूर्व सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी इस बात से बेहद परेशान है कि उनकी फिल्म रंगीला राजा की रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ी। गोविंदा और मिशिका चौरसिया स्टार रंगीला राजा 16 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, पर सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म में 20 कट बताए जाने से नाराज पहलाज निहलानी ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दरख्वास्त की गई है कि बोर्ड द्वारा बताए गए कट्स पर गौर किया जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई और अब पहलाज को फिर से फिल्म की मार्केटिंग पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। निहलानी का कहना है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि 7-8 करोड़ रुपए का नुकसान भी है जो मुझे फिर से खर्च करना पड़ेगा जब फिल्म की फिर से रिलीज डेट तय होगी। 19 नवंबर को कोर्ट फिल्म देखेगा, मुझे ये पैसा फिर से लगाना पड़ेगा। ये फिल्म न सिर्फ गोविंदा की कमबैक फिल्म है, बल्कि मिशिका चौरसिया की डेब्यू फिल्म भी है, जो एक बेहतरीन कलाकार है। वो एक बेखौफ एक्ट्रेस है और उन्होंने फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, जो गोविंदा के डबल रोल के साथ दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। निहलानी का कहना है कि वो अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे। निहलानी कहते हैं कि मैं कोई नया डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस बिजनेस में, जिसे लोगों के गलत इरादों के तले दबाया जा सके। मैंने इतना काम किया है जिसे कोर्ट जरूर नजर में रखेगा और मेरी फिल्म के सारे कट नाजायज हैं। आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि निहलानी की फिल्म आंखें में गोविंदा ने डबल रोल निभाया था, जिसे खूब तारीफ मिली थी और निहलानी को अच्छा खासा फायदा हुआ था। जाहिर तौर पर पहलाज निहलानी अपने इस राजा बाबू को निराश नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि 19 नवंबर को फिल्म देखने के बाद कोर्ट कौन सा फैसला लेता है। क्या पहलाज निहलानी की राजा रंगीला को बिना कट्स के रिलीज होने की डेट दी जाती है, या फिर कट्स के साथ ही काम चलाना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में, जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने तमाम साथियों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।